आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी के विकास को और गति मिलने वाली है। पीएम मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपनों को पूरा करने के लिए यूपी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। यूपी में इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 MOU साइन हुए हैं, जिसमें 32,92,000 के करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पास हो चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम के आखिरी दिन यूनाइटेड किंगडम सत्र में शामिल हुए सीएम योगी ने एक बार फिर पीएम मोदी की विदेशी पॉलिसी को सराहा है। बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, क्या कुछ माहौल आज अंतिम दिन में देखने को मिल रहा है जीआईएस को लेकर? बेटा फोन तो लगाओ, बता दे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और तीसरा दिन है। आज 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज इसमें शिरकत कर रही हैं। तमाम केंद्रीय सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री का अलग अलग सेशन चल रहा है। और आप सीधे आपको लिए चलते हैं, सीएम योगी की बाइट सुनाते हैं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए तो आज जीआईएस का अंतिम दिन है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जब पहले दिन शुरुआत हुई थी तब के उत्साह के माहौल के बाद कल भी स्थिति वैसी रही, उत्साह लोगों में रहा और आज भी उत्साह का यहाँ पर वातावरण है। आज भी यहाँ पर निवेशक है, आज भी यहाँ पर लोग आए हुए, आज भी यहाँ पर डेलीगेट्स हैं और आज भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, सेंट्रल केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर अलग सेशन ले रहे हैं। यहाँ पर 4 जो एक टेंट बनाए गए हैं, दधीची, ब्यास, वशिष्ठ और भारद्वाज के नाम से सभी जगह लगातार सेशन चल रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं, पहली बार हमने कई जगह देखा है कि कई बार घोषणा होता है, बातें होती है, भाषण होता है और बताया जाता है समिट के बारे में, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामने जो अगर टेंट है, सामने जो वहाँ पर हॉल बना है, अगर वशिष्ठ हॉल है तो वहाँ पर किसी और का उद्घोषणा चल रही है, उद्घोषण चल रहा है, और यहाँ पर भारद्वाज है, वहाँ किसी और का उद्बोधन चल रहा है। तो ऐसा पहली बार हम देखे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हॉल बनाए हुए और जिस तरह सक्रियता नजर आ रही है कि लोग यहाँ पर सामने कोई और मंत्री लोगों को संबोधित कर रहा है, निवेशक को बता रहा है यहाँ के नीति के बारे में, निवेश के बारे में और इन्वेस्टर समिट के बारे में, किस तरह की यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम के अलावा तमाम तरह की सुविधाएं निवेशकों को दी जाएंगी। तो भाई दूसरी तरफ दूसरे विभाग का मंत्री या दूसरे विभाग का उच्च अधिकारी, सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर लोगों को बता रहा है, वहाँ पर उद्बोधन अलग चल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर आई थी, पीयूष गोयल भी यहाँ पर आए थे, नितिन गडकरी ने भी यहाँ पर संबोधन दिया। इसके अलावा बात करें तो हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर उद्बोधन दे के अभी गए हैं। इसके अलावा कपिल देव अग्रवाल जो कि यहाँ पर कौशल विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका उद्बोधन भी चल रहा है। उससे जस्ट सामने वाले जहाँ पर मैं पीछे खड़ा हुआ, मैं आपको बताऊँगा, उसके जस्ट पीछे यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी आए हैं, सुरेश रैना भी है, नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव गृह राष्ट्रपति बनने के बाद ये लखनऊ में पहला दौरा है और देखा जाए तो उनका राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर उनको स्वागत किया गया है, 2 दिवसीय दौरा उनका है, आज भी रहेंगी, कल भी यहाँ पर लखनऊ में रहेंगी और अभी यहाँ पर अनुमानन 3:30 के लगभग उनका यहाँ आगमन होना है। यहाँ पर संबोधन भी देगी लोगों को, एक जो उत्साह देख रहा है उस उत्साह को और बढ़ाए काम भी करेंगी और देश के प्रथम नागरिक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि समय समय पर जो बेहतर काम हो रहा है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें नंदिनी, तो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इतिहास रचा गया है, अब तक की सबसे बड़ी समिट ये देश के इतिहास में। अगर सबसे बड़ी समिट की बात करें तो इससे पहले
केवल गुजरात में 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टर समिट के निवेश के प्रस्ताव आए, तो इसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी समिट है। और अगर देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समिट है। 32,92,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश की प्रस्ताव आया है। 18,643 MOU साइन हुए हैं, जिससे उसे इतिहास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। और इतिहास की झलक हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर निवेशक भी देख रहे हैं, लोग में उत्साह का माहौल भी है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं अलग अलग हॉल में अलग अलग उद्बोधन चल रहे हैं, सबको सबकी विभागीय जानकारी दी गई है, सबको सबकी जिम्मेदारी दी गई है और सभी मंत्री अधिकारी फिलहाल अपनी जिम्मेदारी का यहाँ पर निर्वाह करते नजर आ रहे हैं। गौरव, कार्यक्रम में कौन कौन से लोग अभी आ चुके हैं, कौन कौन से लोग उपस्थित हो चुके हैं इसमें और क्या कुछ अभी कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, अगर सुबह की बात करें तो अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और अभी हाल में ही देखा था मैंने उनको, केंद्रीय प्रभार उनको मिलता, केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया, तो उसके बाद यहाँ पर वो आई थी, उनका उद्बोधन हुआ था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल यहाँ पर आए थे, उनका उद्बोधन यहाँ पर हुआ था। हरदीप पुरी केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर आए थे, उनका उद्बोधन यहाँ पर हुआ। और फिलहाल यहाँ पर अनुराग ठाकुर मौजूद हैं जो कि खेल मंत्री हैं, तो उनका भी यहाँ पर उद्बोधन चल रहा है। इसके अलावा अगर सामने वाले हॉल की बात करें, जहाँ पर वशिष्ठ हॉल के नाम से यहाँ पर टेंट लगाया गया है, यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर ए के शर्मा मौजूद है। हरदीप पुरी यहाँ पर उद्बोधन देकर जा चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ कपिल देव अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नितिन गडकरी आ जाए थे, उनका उद्बोधन हुआ है। और अब फिलहाल ये इन उद्बोधनों के बाद जो अगर फाइनल उद्बोधन की बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आएंगी और लोगों को उद्बोधित करेंगी और निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर समिट का आज समापन उनके द्वारा किया जाएगा। गौरव, कल 17 सत्र चले थे, आज कौन से सेशन चल रहे हैं, कितने सेशन आज चलेंगे? देखिए, कल 17 सत्र हो गए थे और कुल मिलाकर 34 सत्र होने, तो अभी लगभग 17 सत्र यहाँ पर हो गए। और सत्र के माध्यम से यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, जो निवेशक आए हैं उनको भी यहाँ पर जानकारी दी रही है। सत्र अलग अलग लोगों द्वारा संबोधित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हॉल बने हुए हैं, दधीची, वशिष्ठ, व्यास और भारद्वाज, इन हॉलों में अलग अलग मंत्री, अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पर लोगों को उद्बोधित कर रहे हैं। जो निवेशक जिस विभाग में इन्वेस्ट करना चाहता है वहाँ के वो हॉल में जाके वहाँ से बातचीत कर रहा है, उनके जो विभाग के मंत्री या अधिकारी द्वारा वहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। और निश्चित रूप से इन्वेस्टर समिट का जो माहौल बनाया है, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बढ़ते बढ़ते आज 32,92,000 करोड़ तक पहुँच गया, तो निश्चित रूप से नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की लोगों को समझ में आई है। और लोगों का कहना भी यही है कि हमें नीति पसंद है, सिंगल विंडो सिस्टम पसंद है और जो सुविधा अगर सरकार हमको देगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर निवेश का वातावरण बनता नजर आ रहा है। फिलहाल निवेश कितना उतरेगा ये भविष्य में बताएगा, ये फिलहाल एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर फिलहाल अभी संभव नहीं है। गौरव, देखा जाए तो जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपना लक्ष्य रखा था, कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। वहीं एक जापान की कंपनी ने 30 होटल खोलने का प्रस्ताव पेश किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो अगर जापान की केवल बात करें, अपने जापान का नाम ले, जापान क्या बता दूँ, जापान से लगभग 3.5 लाख करोड़ के लक्ष्य की उम्मीद थी पर वहाँ पर केवल 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य मिला है। पर अगर हम बात करें कि ये लक्ष्य बढ़ा कैसे, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बात करें नंदिनी, तो केवल 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी ब्रिज दौरे पर गए थे, तो ब्रिज दौरों के जाते समय जो लक्ष्य है वो बढ़ गया और इतना लक्ष्य आया कि वो 15 लाख हो गया, 17 लाख हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर देश के तमाम बड़े शहरों में गए थे, महाराष्ट्र गए थे, इसके अलावा केरल गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे, और वहाँ पर उन्होंने रोड शो किए थे और लगभग बड़ा लक्ष्य वहाँ से ही मिला। और वो लक्ष्य आते आते चीज़ें बढ़ती गई और वो लक्ष्य पहुँचते 22 लाख करोड़ पहुँच गया। उसका जब निवेश इन्वेस्टर समिट शुरू हुई थी तब देखा जाता 22 लाख करोड़ के यहाँ पर लक्ष्य हो गया था पूरा। और इन्वेस्टर समिट होते होते नहीं, पहला दिन गुजरते गुजरते हमने देखा कि 32,92,000 करोड़ का आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस इन्वेस्टर समिट में 18,643 MOU के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया था निवेश के प्रस्ताव। गौरव, देखा जाए तो संभावना जताई जा रही 35 लाख करोड़ की, किस सेक्टर में कितनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, रफ्तार यहाँ पर मैंने आपको बताया कि निवेश यहाँ पर हुआ है, निवेश के बाद धरातल पे कितना उतरेगा, क्योंकि ये बड़ी प्रश्न होता है हमेशा से कि होता क्या है, जब भी इतना बड़ा सेटअप होता है, इंफ्रा चाहिए, जमीन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, इसके अलावा आउटपुट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बाजार चाहिए, तो तमाम तरह से, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, लगभग 25 करोड़ की यहाँ की आबादी, देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, और जब आबादी ज़्यादा है तो उतना बड़ा बाजार भी यहाँ पर है। बाजार में किस तरह से हमको अपनी लागत खपानी है और ये इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है करोड़ों की इंडस्ट्री, उसको सेटअप करना इतना जल्दी, इतना आसान
तैयार नहीं होता है, वो प्रक्रिया चरण तरह की प्रक्रिया होती है, उसमें 4 से 5 साल कई बार लग जाते हैं। और निश्चित रूप से देखा जाता है कि जब विपक्ष कहता है कि जो इन्वेस्टर सबमिट हुई है उसका हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना दिखाई देने के पीछे वजह ये होती है कि जब सबमिट होती है उसका निवेश के प्रस्ताव आते हैं, उसकी कागजी प्रक्रिया पूरी होती है, हालांकि सिंगल विंडो सिस्टम और तमाम शुरुआती व्यवस्थाएँ सरकार द्वारा तुरंत कराई जा रही है, उसके बावजूद जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 2.5 से 3 साल चलती है। यानी आज इन्वेस्टर सबमिट हो रही है तो इसका परिणाम है धरातल पर आपको ये 3 साल बाद देखने को मिलेगा कि लोग सेटअप हो चुके होंगे तभी रोजगार भी मिलेगा। गौरव, देखा जाए तो आज जीआईएस का आखिरी दिन है, समापन कार्यक्रम है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? देखो, उत्साह यहाँ पर देखने मिल रहा है, चूंकि आखिरी दिन है तो लोग यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है और सेशन भी ज़्यादा हो रहा है, महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है, चाहे हम खेल विभाग से मान के चलें, चाहे कौशल विकास संबंधित मान के चलें, चाहे ऊर्जा सेक्टर से बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें और चाहे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें, सभी जगह सभी विभागों के केंद्रीय और राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा उद्बोधन दिया गया है, निवेशक वहाँ बैठे हैं, सबको यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। उत्साह का माहौल इसे देखने मिल रहा है, जो लक्ष्य था वो लक्ष्य बढ़ के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे जीआईएस यानी परसों एक दिन पहले शुरू हुई थी, 10 तारीख को शुरू हुई थी, 10 तारीख को मैं 22 लाख करोड़ के लक्ष्य की बात की जा रही थी, वो 22 लाख करोड़ एक ही दिन में 32 लाख 92 हज़ार करोड़ पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं अब वो इंटरेस्ट लगातार दिखा रहा है और फिलहाल ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहा है और शायद ये इतिहास बनाने वाली वो निवेश है, वो समिट है जो कि उत्तर प्रदेश के व्यवस्थाओं में, यहाँ की आबादी में, यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाओं में, यहाँ के रोजगार में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आएगी। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और राज्य सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे, वहीं सीएम योगी आज द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम लोक भवन में नागरिक अभिनंदन होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद आपको बता दें कि पहली बार लखनऊ में आ रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ रहे हैं। सागर, देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार लखनऊ में आ रही हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या कुछ कार्यक्रम और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का रखा गया है? यहाँ पे आगमन हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद रखी गई है। एयरपोर्ट से लेकर शहीद पथ का जो पूरा लिंक है उसे पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा के उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। और राष्ट्रपति के आगमन से कुछ घंटे पहले वहाँ पर जो भी छोटे मोटे आवागमन होंगे उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि राष्ट्रपति एयरपोर्ट उतरने के बाद उनका जो वहां से वो पाकिस्तान पहुंचेंगे हवाई जहाज के द्वारा, फिर उसके बाद वहां से वो पाकिस्तान से होते हुए जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद की गई है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है उसे उसके तहत ही राष्ट्रपति की जो एंट्री होती किसी भी जगह पर किसी भी जिले पर वो रखी जाती है, तो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से निभाया जा रहा है। एसपीजी के जो कमांडो हैं और एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो फिलहाल 3 दिन से लखनऊ में ही है, क्योंकि इससे पहले भी पीएम मोदी का आगमन हुआ था, पीएम मोदी के आगमन के लिए एसपीजी चलती है। और साथ ही आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है वो उनका अलग स्टाफ होता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का खुद का स्टाफ होता है, तो वो पहले से ही यहाँ पर पहुंच चुका है और पहले से पूरी रूट का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही ये भी देखा कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी स्टार्ट हो बनी, क्योंकि हर इलाके को वो पूरी तरह से जाम कर दिया है। और राष्ट्रपति के आगमन से आगमन के बाद वो इलाका जो है पूरी तरह से जैमर से के साथ लगाया जाएगा। तो मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चार चौबन सुरक्षा व्यवस्था है। ट्रैफिक को लेकर लखनऊ पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में खड़ी रहती है, इस बार भी ऐसे ही हुआ। इस बार भी जो हाईवेज हैं यहाँ सभी तक हाईवे हैं, क्योंकि हाईवे की मुश्किल से पास हो रहा है तो हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया था, लेकिन कुल मिलाकर घंटों बाद वहां से हाईवे को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। तो फिलहाल जो हाईवे है हाईवे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति की बहुत बड़ी कद होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो उसको देखते हुए लखनऊ की पूरी चार चौक सुरक्षा चार चौबंद की गई और जो ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत ही अच्छी हुई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी और समापन है, तो किस तरीके से लोगों में वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है?
हाँ जी, देखिए नंदनी आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे लोगों से, कई लोगों से बात करी, कुछ फैमिलीज से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, कुछ आम लोगों से बात करी, महिलाओं से भी बात करी, बुजुर्गों से भी बात करी। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो इस इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो पूरी तरह से बेहद ही खुश है और सरकार की जो कार्यशैली वो काफी सराहनीय बता रही थी। कुल मिला के देखा जाए तो मैंने फैमिली से भी बात करी, फैमिली में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये इशू दिखा कि उन्हें रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो रोजगार संभव है। लेकिन हाँ, हमने सवाल ये भी किया कि 98 लाख रोजगार की बात आ रही तो कहीं ना कहीं कुछ युवाओं ने ये जवाब दिया कि रोजगार आने से पहले ही इसका पर्चा लीक हो जाता है और तमाम जो रोजगार है वो भर्ती आती रहती है। फिलहाल कुछ युवा इस इन्वेस्टमेंट समिट से जो रोजगार की बात हुई है इसमें वो नाखुश दिखे। और उसके बाद कुछ फैमिली से हमने बात करी, फैमिली को लेकर हमने ये भी कहा, फैमिली ने कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारत में बहुत महंगी है, लखनऊ में काफी महंगी है, तो इस वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हर कोई आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई आदमी के बस की बात नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा अपने अपने बच्चों को दिला दो। तो कुल मिला और महिलाओं से भी बात करी, महिलाओं का साफ साफ कहना था कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी महंगी हुई है, डीजल पेट्रोल महंगे होने की वजह से, LPG महंगी होने की वजह से बहुत सारे सामान महंगे हुए हैं, आयात निर्यात में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुल मिला के कुछ अभी संतोष दिखी, कुछ लोग असंतोष दिखे। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ है वह समापन है, 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है। उसके बाद देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सरकार ने दावे किए हैं रोजगार के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहे हैं और 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है यूपी में। उसके बाद देखने वाली बात ये भी होगी कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, जो जो आम जनता नाखुश दिख रही है और खुश भी दिख रही है, कुछ लोग संतुष्ट भी दिखे। मान के चलिए मैं ये कहूंगा कि 90% लोग संतुष्ट हैं इन्वेस्टमेंट समिट से, तो 10% लोग असंतुष्ट है। असंतुष्ट होने की वजह उनकी साफ तौर पर ये दिखाई देती है कि शिक्षा व्यवस्था महंगी है और जो जो प्रणाली है वो महंगी है, तमाम जो शिक्षा व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो महंगी है। और रोजगार की सबसे बड़ी बात है, युवाओं के सबसे बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू होता है रोजगार। रोजगार हर युवा देखिए अपने स्तर तक पढ़ाई करता, अपनी अपने अनुसार पढ़ाई करता है, जितनी उसकी शक्ति होती है पढ़ाई कर पाता है। उसके बाद अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो सरकार से असंतुष्ट दिखाई देता है। जी देखा जाए तो सागर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में आगमन कर चुकी है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो आम जनता को इससे काफी परेशानियां होती है, लेकिन कैसा रहा ट्रैफिक कंट्रोल? जी नंदनी आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है ये सड़क पर से होते हुए ये कमता चौराहे तक गुजरती है, क्योंकि ये शहर का एक छोर, एक किनारा है। तो इस वजह से बता दूं कि ट्रैफिक व्यवस्था कोई बाधित होने की ऐसी कोई बात तो नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है वो डायरेक्ट अमौसी एयरपोर्ट से वहां पर लैंड करेगा, उसके बाद वो कल्ली पश्चिम जाएगा, कल्ली पश्चिम से उसके दिन होते हुए वहां पर क्या बोलते हैं जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचेगा। तो प्रोटोकॉल के तहत क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा बहुत ही बेहतर कही है। और ट्रैफिक की बात करूं तो DCP रही सकता है, उन्होंने भी ये कहा कि वो पूरी तरह से तैयार है चुनौती, क्योंकि उन 2 दिन से ये चुनौती पूरे शहर में दिख रही, क्योंकि इन्वेस्टर आए हैं तो इन्वेस्टर की जो गाड़ियों का आवागमन है और तमाम पुलिस बल है उनकी गाड़ियों का आवागमन है तो वो बाधित ना हो। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी की गई है और कुछ सिग्नल पे भी अलर्ट रखा गया है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे सिग्नल है जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, चाहे आपका मैं लालबत्ती चौराहा बता दूं, चाहे 10 नब्बे बता दूं, कुछ समय के लिए इन जो सिग्नल है इनको री अलर्ट पे रखा जाता है, येलो लाइन की येलो बत्ती जलाई जाती है, उसके बाद रेड अलर्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छी है। और देखा जाए तो लखनऊ पुलिस है वो इन चुनौती को निपट रही अच्छे से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखिए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अगर ध्वस्त होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। पिछली बार बता दूं इससे पहले जो क्रिकेट मैच हुआ था वहां पे घंटों जाम लगा था, लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे फंसे होने की व्यवस्था हुई थी, लेकिन उस वजह से लखनऊ पुलिस ने ये सबक लिया, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने ये सबक लिया, पूरा रूट डाइवर्जन किया है, क्योंकि जिस जगह पे ये कार्यक्रम स्थल हो रहा है या हुआ है वहां पर पूरी तरह से हर कोई आम व्यक्ति या आम व्यक्ति की कार या वाहन वहां नहीं जा सकते, और उसमें एक पास लगाया गया है तो उसी वाहनों को जाने की एंट्री है। इस वजह से बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुगम है, बहुत सुचारू रूप से यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चला रही है। जी सागर, देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय कार्यक्रम, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? देखिए कार्यक्रम की बात करूँ तो यहाँ पर शाम को वो सीएम आवास पहुंचेंगे, सीएम आवास
इसमें उनका एक भोजन रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तमाम जो दिग्गज बिजनेसमैन होंगे वहां पे होंगे उनके साथ, और सीएम योगी होंगे, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं जो लखनऊ में इस वक्त मौजूद है उन्हें बुलाया गया है, और जो इन्वेस्टर है उन्हें भी बुलाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है। ये 32,00,000 करोड़ से भी ऊपर मान के चलिए, इससे ज्यादा ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे कम यूपी सरकार का बजट होता है सालाना। लेकिन अब देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जो बातें सामने आ रही निकल के कि इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ यूपी का माहौल बदलेगा, तो यूपी का माहौल बदलेगा। और दूसरी बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहली बार है कि वो लखनऊ आई है, और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले भी कई राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं, और जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है उसके बाद जो समापन कार्यक्रम होगा, समापन कार्यक्रम के बाद वहाँ पर सीएम आवास में उसका उनका भोजन रखा जाएगा एक शाही भोजन के तौर पे, उसके उसमें तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और तमाम लोग होंगे। जी जी सागर, देखा जाए तो सीएम योगी बार बार ये कहते हुए नजर आए कि पहले कानून व्यवस्था जो था बेहतर नहीं था, निवेशक जो थे वो डरते थे, तो क्या कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद जिस तरीके से ये पूरा 3 दिवसीय समिट रखा गया है, तो कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद ये किया गया है? आगे की बात करूँ यूपी के कानून व्यवस्था की, तो यूपी के कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं हमेशा से चरमराती रही है। बात करूँ किसी भी सरकार पूर्व में भी, इससे पहले भी कई सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार भी थी, इससे पहले कांग्रेस की थी, सपा की थी, मायावती की थी, लेकिन कानून व्यवस्था देखी जाए तो हर सरकार में थोड़ी बहुत लचर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूँ तो हाँ, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि योगी सीएम योगी के साथ साथ कहना है कि जो भी अपराधी है उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यूपी पुलिस काम करती है, जो यूपी पुलिस काम करती है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है, इस वजह से भी माना जाए कि जो अपराध पहले हुआ करते थे यूपी में वो थोड़े से कम हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से यूपी राम राज्य हो गया है, क्योंकि देखिए अपराध रोज होते हैं, कहीं ना कहीं रोज ऐसी वारदातें होती है, लेकिन हाँ जो पहले हुआ करता था, क्योंकि बात करो कि बाहुबलियों की कुछ गुंडे माफिया के वो सब अभी जेल में है, तो उस वजह से भी काफी फर्क पड़ा है, और ये बात बहुत अच्छी है यूपी के लिए। और फिलहाल अभी बात करूंगा कि इन्वेस्टमेंट समिट का एक ये भी वजह हो सकती है कि जो कानून व्यवस्था है बहुत पहले से बहुत अच्छी बन चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और समापन दिन है। बता दें कि इस इन्वेस्टर समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर चुकी हैं। लखनऊ में आज उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा आज से। और अब रुक करते हैं संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आप नहीं बुलाए होते तो विभांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद से संवाददाता हमारे प्रवीण मिश्रा जुड़ेंगे। प्रवीण, देखा जाए तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है, क्या कुछ गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है? देखिए, गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में लगातार कई बैठकें बुलाई गई है जिसमें कई इन्वेस्टर भी शामिल हुए हैं। हालांकि बात की जाए यहाँ के जो मंत्री हैं डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत भी की थी। हालांकि कई मंत्री और विधायक भी साथ में पहुंचे। हालांकि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर है, खासतौर पर अब जो है योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उस पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि पहले कई ऐसी सरकारें रही हैं जहां पर इन्वेस्टर यहाँ पर रुख नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की जो नीति के तहत जिस तरह से कार्य हो रहा है तो वहां पर अब भरोसा जताया जा रहा है। और जितने इन्वेस्टर है, खासतौर पर जो निवेशक है, लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अपनी जो भी फैक्ट्रीज वगैरह डालना है या किसी भी तरीके का कार्य करना है या जमीन या लैंड खरीदना है उसको लेकर भी सरकार काफी सचेत हो गई है, और इन्वेस्टर को खासतौर पर हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह रही है। कहीं ना कहीं अब जो लोकल टू वोकल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, जिस तरह से लोकल टू वोकल, उस पर खासा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद लगातार जो इन्वेस्टर है अब जो है उत्तर प्रदेश के तरफ रुख कर रहे हैं। अभी लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची है, लगभग उनका 3 दिन का दौरा है वहां पर वो भी पूरे जितने भी समिति में पहुंचे हुए जितने इन्वेस्टर हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कहीं ना कहीं उन पर उनको भरोसा भी जताया जाएगा कि हिंदुस्तान में भी आप आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही सुरक्षा की बात, तो खासतौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश देखा जा रहा था सुरक्षा को लेकर, तो उन कारणों पर भी कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार है उन्होंने भी खासतौर पर बता दिया है। हालांकि अब जो लखनऊ में जो आज आखिरी दिवस बैठक है उसके बाद अब कहीं
गौतम बुद्ध नगर में भी बैठक होगी। इसके बाद कहीं ना कहीं और भी कई जिले हैं जहां पर वाराणसी हो गया, वहां पर भी बैठकें बुलाई जाएंगी, जिसको लेकर जो इन्वेस्टर है खासतौर पर उनमें एक भरोसा जताया जा रहा है। जी बात करें गाजियाबाद की प्रवीण, तो गाजियाबाद में किस सेक्टर में कितना ज्यादा निवेश करने को देखा गया है? देखिए गाजियाबाद के अंदर साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हालांकि अब जो लैंड है नहीं, लेकिन अब जो मोदी नगर मुरादनगर है उस तरफ में जो जगह है खाली उस वहां पर लोग पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां जो है खासतौर पर जो यहां पर निवेश करेंगे। हालांकि कई कंपनियां नोएडा में भी आ चुकी है, जैसे कि सैमसंग कंपनी है, कंपनियां हैं जो यहाँ पर आई खासतौर पर जो भारत है उन पर भरोसा जता रही है। हालांकि बाहर से भी जो कंपनियां आई है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और कहीं ना कहीं अब जो बैठक का दौर है लगातार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी तक जो उत्तर प्रदेश का रूप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा जो आगे की चीजें हैं, जो इन्वेस्टर काफी खुश हो रहे हैं क्योंकि जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो उनमें एक अलग सा उत्साह अलग सी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि वो एक जो इन्वेस्टमेंट है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर जिले में वो कर सकेंगे। जी नंदनी जी बात कर रहे हैं जिले की, देखिए तो जिस तरीके से राज्य सरकार बार बार कर रही है ODOP की बार बार जिक्र किया जा रहा है, ODOP को बढ़ावा देने के लिए भी इस इन्वेस्टर समिट में बात किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टर में सबसे पहली चीज क्या है कि भरोसा, भरोसे के साथ साथ जो इन्वेस्टर है किस तरफ और कौन सी कंपनी को किस तरफ अपना रुख देखेंगे, कहां पर उनको लगेगा कि भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं तो कुछ बेनिफिट है, यानी कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कम से कम 2800 बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार समय पर बेरोजगारी देखी जा रही थी उससे भी निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं जब कंपनियां यहाँ खुलेंगे भरोसे के साथ जो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो खासा देखने वाली बात होगी। लेकिन जब मीटिंग के दौर जो लगातार है गौतम बुद्ध नगर में भी मीटिंग होनी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बड़ी बैठक होगी, उसमें भी इन्वेस्टर देखेंगे कि आखिर उनको किस चीज में और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। बता दें क्या यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और तीसरा दिन है, वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में आगमन कर चुकी हैं। इस कार्यक्रम में आज कई बड़ी हस्तियां लखनऊ में शामिल हो चुके हैं। इस समिट के अंतिम दिन देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इवेंट के तीसरे दिन लखनऊ पहुंची, जहां उनका स्वागत CM योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी CM योगी ने किया है। और अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में आगमन कर चुके हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी नंदनी, आपको बता दें कि आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तीसरा यानी कि आज समापन का दिवस है। आज के इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो समापन के दौरान देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं, उनकी अगवानी के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई थी। आपको बताएं कि फूल के गुच्छे गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया, उसके ठीक बाद अब वो तय समय अनुसार कार्यक्रम स्थल आएगी। अगर बात करें उत्साह की तो जो भी निवेशक हैं, विजिटर हैं, उनके चेहरे पे साफ तौर से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य के तहत योगी सरकार ने इस आयोजन किया था वो पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक साल का जो GDP होता है, जो एक साल का बजट होता है वो 6 लाख करोड़ का होता है, मगर अब तक दूसरे दिन तक लगभग 31 लाख तक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इससे साफ है कि प्रदेश के विकास की रफ्तार और साथ ही साथ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। आपको बताया कि हर एक क्षेत्रों में तमाम कार्यों को लेकर एक सेशन चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ 4 प्रमुख हॉल बनाए गए हैं। अगर बात करें तो दधीच हॉल, वशिष्ठ हॉल, चाहे बात करें तो व्यास हॉल, चाहे बात करें तो भारद्वाज हॉल, इन सभी हॉलों में अलग अलग समय पर सेशन चल रहे हैं। सबसे पहले अगर सेशन देखें तो हैंडलूम को लेकर एक सेशन चलाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और तमाम निवेशक और एक्सपर्ट सम्मिलित हैं। साथ ही साथ खेल को विकास को लेकर राष्ट्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के खेल बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल और साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना शिरकत किए। इस सेशन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में छोटे बड़े मिलाकर 30,000 खेल के मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया। आपको बताएं कि वही पर्यटन के एक सेशन चला, जिसमें अगर बात करें तो जयवीर सिंह के अध्यक्षता में ये
सेशन चलाया गया जिसमें माना गया कि उत्तर प्रदेश के जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे बात की जाए बनारस की, चाहे इलाहाबाद की, चाहे बात करें हम मथुरा की, इन सब जगहों पर हाई क्लास के होटल खोले जाएंगे। आपको बताया कि जापानी कंपनी ने इसका जिम्मा लिया है और जापानी कंपनी ने दावा किया है कि हम बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल बनाएंगे। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो हर एक सेक्टर में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम रोजगार और साथ ही साथ विकास की रफ्तार दे सके। अगर बात करें तो आज के कार्यक्रम में समापन में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही समय के अंदर आएंगी और ठीक पीछे आप देख रही हैं यही वो स्पेशल लॉन्ज है जहां से द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है महामहिम राष्ट्रपति का वो कार्यक्रम स्थल तक आएगा। आपको बताएं कि आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि यहां विभिन्न अलग अलग कंपनियों देशों के झंडे लगाए गए हैं। इससे साफ है कि जिस देशों से लोग आए हुए हैं वहां वहां के झंडों को लगाया गया है उनकी अगुवानी के लिए। वहीं अभी कुछ ही वक्त के अंदर महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर आएंगी और बात करें तो आज सबसे पहले अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि हम खेल के जो क्षेत्र है उसमें विकास करेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच के जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी खेल को लेकर विकास करेंगे। वहीं आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो योगी सरकार का कहना था कि हम कार्यक्रम से कहीं ना कहीं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डेवलप करेंगे यानी कि 10 लाख करोड़ का इकोनॉमी डेवलप करेंगे, मगर बात करें तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लगभग MOU साइन हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये MOU धरातल पे उतरते हैं तो प्रदेश के अंदर में क्या बदलाव आता है। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो इस कार्यक्रम से साफ है कि प्रदेश की दशा दिशा में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जी जी विभांशु, देखा जाए यातायात व्यवस्था को लेकर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने निवेश की बात कही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं इसको लेकर? जी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर यातायात की दुर्व्यवस्था देखने को मिलती है, खासकर जो बड़े शहर है, चाहे बात करें बनारस की, इलाहाबाद की, लखनऊ की या मेरठ की या नोएडा की, इन सब जगहों पर जापानी कंपनी के द्वारा एक टेक्नोलॉजी के तहत जाम फ्री यानी कि ट्रैफिक फ्री सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है। आपको बताया कि तकनीकी जो तमाम तकनीक नई आई हैं, जो ट्रैफिक के उपकरण हैं उसको स्थापित करके कहीं ना कहीं ट्रैफिक से जो आम जनमानस लंबे अवसों से समस्या से जूझ रही है उससे निजात दिलाने की बात कही। अब देखने वाली बात यह होगी कि हर क्षेत्र में चाहे हो कृषि, चाहे IT, चाहे एजुकेशन, चाहे पर्यटन, चाहे बात करें खेल, हर एक क्षेत्रों में जो तमाम सेशन के तहत टोटल अगर बात करें तो अब तक 36 सेशन चलाए गए हैं। आज बात करें तो 3 सेशन बाकी है और 33 सेशन हो चुके हैं और इन 33 सेशन में हर एक क्षेत्रों में जो सुधार लाने को लेकर, साथ ही साथ अगर बात करें तो कृषि सेक्टर को लेकर कल बैठक की गई जिसमें कहा गया कि हम मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ और साथ ही साथ हम कैसे बायो, अगर देखें तो जो तमाम कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती के तरफ हम बढ़ेंगे और जो नदियां हैं खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में वहां पे कैसे हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाव देंगे जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम बीमारियां हो रही है मोनोसाइड पेस्टोसाइड हर्बिसाइड से और आम जनमानस बीमारियों से जूझ रहा है इससे निजात। हमारे साथ बने रहिए, आपको ले चलते हैं कानपुर अनिल, हमारे संवाददाता अनिल के पास। अनिल, देखा जाए तो आज GIES ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है, कानपुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट समिट का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कानपुर में भी काफी भी इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अलावा बता दूं कि लखनऊ में जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों से दिग्गजों की भीड़ लगी हुई है जिसमें लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे यूपी में किया गया है। 34 लाख करोड़ में इन्वेस्टमेंट में हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसमें क्षेत्र है, टूरिज्म है, शिक्षा है, इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसमें देश के जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। कानपुर में लगभग 83,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और कानपुर में खासा इसमें देखने को ये मिला है कि कानपुर में जो हॉस्पिटल है, कानपुर में जो शिक्षा है और स्कूलों में खासकर से इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। और अभी कुछ दिनों पहले ही नंदी कानपुर आए थे, कानपुर में दौरा हुआ था, कानपुर में के दौरों में काफी चीजें देखी गई और उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबसे बात की
और खासकर से लाइन ऑर्डर को समझाने के लिए, लाइन ऑर्डर को दिखाने के लिए उन्होंने इस पे जोर दिया। और जितने भी व्यापारी थे सभी व्यापारियों से बात की कि आप कानपुर में या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, वन विंडो स्कीम के तहत काम किया है। इसके अलावा बता दूं कि लखनऊ में आज आखिरी दिन है और द्रौपदी मुर्मू जो कि इसका समापन करेंगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दो दिन पहले इस पे एक बड़ा ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय 21 एयरपोर्टों पर काम चल रहा है, जिसमें 10 एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुके हैं, 2 एयरपोर्टों के लिए जमीन देखी जा रही है, 9 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि नेशनल चालू हो चुके हैं और उसके अलावा घरेलू उड़ाने और विदेश अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी इसमें चालू है। इसके अलावा जब नितिन गडकरी ने भी इस पर बयान दिया तो नितिन गडकरी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख बसें हम लाएंगे, 30 लाख बसों में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश भारत की जो राजनीति होगी, भारत में जो इकोनॉमी होगी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। इसके अलावा जिसमें कानपुर उत्तर प्रदेश का एक अहम योगदान रहेगा और सन 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात कही है। हालांकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले दिन का इन्वेस्टमेंट 15 लाख था, उसके बाद 24 लाख हुआ और आज का इन्वेस्टमेंट तो लगभग 34 लाख है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है कि लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और लगातार जो देखा जाए तो ओडीओपी का जिक्र किया जा रहा है, ओडीओपी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इस इन्वेस्टर समिट में, कानपुर का कितना अहम योगदान रहेगा? जी बता दूं कि कानपुर वैसे भी लेदर के मामले में पहले से ही आगे रहा है और कानपुर लेदर के मामले में और लेदर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कानपुर का एक अहम रोल रहता है। और बता दूं कि जिस हिसाब से ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो मायने रखते हैं तो कानपुर में जो लेदर की कंपनियां काफी, हालांकि कुछ समय पहले जितने भी यहाँ की कंपनियां थी बंद कर दी गई थी, लेकिन जिस हिसाब से जब नंदी जब आए थे तो यहाँ के व्यापारियों के जो चमड़ा व्यापारी थे उन्होंने मंत्री नंदी से बात की और इन्होंने बात कही कि अगर हम लोग को सुविधाएं और सरकार के माध्यम से वन विंडो की अगर सुविधाएं दी जाएंगी तो हम ओडीओपी के तहत कानपुर को एक बड़ा आगे बढ़ाने में हमारा रोल रहेगा। हालांकि नंदी ने सभी को आश्वासन दिया है कि आपको किसी भी अधिकारी से किसी भी लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप उनसे नहीं मिल पा रहे आप डायरेक्ट मुझसे आके मिलिए, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। तो जिसको अगर देखा जाए तो कानपुर से ओडीओपी के तहत लेदर का व्यापार है बहुत आगे बढ़ रहा है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश का इसमें क्या रोल रह सकता है। हालांकि लगभग 83,000 करोड़ के व्यापार कानपुर में इन्वेस्टमेंट हो चुका है जिसके एमओयू साइन हो चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात ये भी होती है कि सिर्फ एमओयू साइन होते हैं कि आगे भी बढ़ते हैं। इसके अलावा बता दूं कि जब पिछली बार इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा बयान दिया है कि लगातार ये सिर्फ साइन हो रहे हैं, सिर्फ दिखावा हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एक बड़ा आरोप लगाया था कि सिर्फ और सिर्फ सरकार पैसा खर्च कर रही है और जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी इन सब चीजों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है और उसके साथ ही सूबे के मुखिया लगातार देश के राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सूबे के मुखिया है उनकी मनसा को देखते हुए लोग थोड़ा उनकी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सब चीजें कितना अलर्ट एक्टिव रहती है। जी अनिल, देखा जाए तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में किस सेक्टर में कानपुर में बात की जाए, किस सेक्टर में कानपुर में कितना ज्यादा निवेश करने के प्रस्ताव मिले हैं? जी बता दूं कि कानपुर वैसे भी लेदर के मामले में बहुत आगे रहा है और कानपुर में लेदर से निर्मित चीजें बहुत सी होती हैं, चाहे वो जैकेट्स हो, चाहे शूज हो और चाहे बेल्ट वगैरह हो, क्योंकि जो कानपुर में लेदर का उत्पाद होता है वो देश विदेशों में भी बिकता रहता है। कानपुर में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड में काफी नाम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो कानपुर दुग्ध उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है और बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने लेदर और दुग्ध उत्पादन के लिए आगे बढ़ी है। हालांकि जो सरकार की मंशा थी, सरकार की मंशा को देखते हुए जिन लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया था वो भी आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बोला था कि आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेन एक समस्या आती है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति देखी जाए वो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लॉ एंड ऑर्डर के चलते और जो व्यापारी आगे बढ़े इन्वेस्टमेंट के लिए कब तक ये सरकार के साथ रहते हैं, क्योंकि सरकार की नीति के हिसाब से काफी व्यापारियों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो सभी का कहना था कि सारी चीजें सही है, अब आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की ये देखा जाएगा। जी
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। तो आज चलिए तो आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ उन्होंने कहा। बोलने में कोई संकोच नहीं कि भारत और यूके के संबंध एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। बता दें कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। वहीं पर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय कार्यक्रम लखनऊ में होगा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लखनऊ आई है। बता दें आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और समापन दिन है। वहीं पर इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और आज समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में उपस्थित हो चुकी हैं। यूपीजीआईएस 2023 का तीसरा और अंतिम दिन है। तीसरे दिन समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति है हो चुकी है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर है। इससे सरकार का दावा है कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। बता दें कि आज आखिरी दिन में तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री उपस्थित हैं। वहीं पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। इस इवेंट में देश दुनिया भर के बिजनेसमैन, देश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए हैं। चलिए अब आपको वहीं दानिश, राज्य मंत्री दानिश ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश के विकास की हम नई कहानी लिखेंगे और तमाम कलेक्टिव सबके प्रयास से, हमारे मोदी जी और योगी जी के प्रयास से निश्चित तौर पर तमाम इन्वेस्टर से उत्तर प्रदेश में आए, हमें उनको एक बेहतर माहौल दिया इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, रोजगार सृजित होगा और खासतौर पर नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के रास्ते खुले। वहीं पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और तीसरा दिन है। तमाम दिग्गज नेता और उद्योगपति आज भी उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है लखनऊ में, 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपीजीआईएस 2023 का आखिरी और अंतिम दिन है। तीसरे दिन समिट के समापन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित हो चुकी हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रविवार शाम लोकभवन में नागरिक अभिनंदन होगा और राष्ट्रपति रविवार आज विश्राम राजभवन में करेंगी। 13 फरवरी को जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम लोकभवन में नागरिक अभिनंदन होगा उनका। राष्ट्रपति बनने के बाद वह पहली बार लखनऊ आ रही है। राष्ट्रपति रविवार रात्रि विश्राम और भोजन राजभवन में ही आज करेंगी। वहीं पर 13 फरवरी को जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी। तो कुछ इस तरीके से 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। इसके बाद फिर राष्ट्रपति 13 फरवरी को दोपहर के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में आगमन कर चुकी हैं। तो वहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी और समापन दिन है आज।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ रहे हैं। विभांशु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। जी नंदनी, आपको बता दें कि देश की महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू कुछ समय के अंदर बहुत प्लानिंग है उनके आने का, यहाँ अनाउंस जब प्रशासन से दिया गया है राष्ट्रपति के पूरे प्रांगण का जांच कर रहा है द्रौपदी मुर्मू, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, किस तरीके से रखा गया है? जी आपको बताएं कि आज दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में आ रही है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट के पहुंची है, जिसके ठीक बाद वो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उनके तमाम नेता मंत्रिमंडल के नेतागणों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। देर शाम को लोग हॉल में नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी। साथ ही वो अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। आपको बताएं कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 10वां दिन आज तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।